ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में रहने दो। हाय हाय, रखो किताबों में, इसका दिल टूटा है तभी ये शायरी बाहर आ रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, और आज हम लेके आए उर्दू शायरी कलेक्शन फीमेल वर्जन का। और साथ में देखा जाए तो हमने पहले मजाक रात की फीमेल वर्जन का सुना हुआ है, वो बहुत ज़बरदस्त होता है। लाइक मजाक रात में वो जिस तरीके से वो एक शायरियाँ पेश करती है ना, तो यार उसके तो हम और वर्जन ज़रूर सुनना चाहेंगे। बट यहाँ पे हमें शायद बाकी सारे जो भी और शोज़ होते हैं उन सब में भी जो फीमेल जाके शायरी पढ़ती हैं, तो यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर पाकिस्तानी शोज़ के बारे में अगर ये है कि भाई हर एक शोज़ में ऐसा होता ही है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आपको शायरी पढ़नी है तो आप पढ़ के बता सकते हो, तो लोगों का टैलेंट भी दिखता है। तो देखते हैं फिर क्या है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उसको देखने के लिए, मतलब कि मैंने नोटिस किया है कि मोस्टली जो फीमेल जो शायरी होती है ना वो ज़्यादातर तारीफ में ही होती है, कि ऐसे वो तारीफ कर रही होती है किसी की, है ना, या फिर अपनी फीलिंग्स बता रही होती है। और जो मेल वर्जन होता है वो थोड़ा ऐसे हार्ट ब्रोकन टाइप होता है, पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि आधे लड़के, आधे दुनिया के लड़के ना किसी ने उनका दिल तोड़ रखा है तो ये वैसे हार्ट ब्रोकन शायरियाँ करते हैं। बाकी देखते हैं कि आज की ये वाली शायरियाँ कैसे होने वाली है, और हम लोगों ने बहुत सारी शायरी सुन रखी है फीमेल वर्जन वाली, बाकी देखते पर्दा थे कुछ ऐसे नकुश, दिल ने उसे जब भी देखा बहुत अच्छा। खुद खुशियाँ नहीं रुक पा रही थी, बड़ी स्माइल आई है। इसी की मर्जी को अपनी किस्मत बना चुके हैं हम, अपने हाथ की सब लकीरें मिटा चुके हैं। आपको देखकर चांद पर जाने को दिल करता है। अच्छा। आपको देखकर चांद पर जाने को दिल करता है, क्या करूं ये ख्याल दोपहर को। ओहो, मजाक रात के तो वर्सेस आ ही जाते हैं। छोटी सी है जिंदगी, खुशी से जियो, गम में क्या रखा है मजे से सर उठाकर जियो। क्या बात, उदासी क्या चीज है कुराकर जियो, अपने लिए ना से अपनों के लिए। वाह, कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने, सही में अपने लिए भी जियो। आपके लिए शेर है। अरे जनाब हाजिर। मिलते हैं शबो रोज सभी लोग शनासा, एक तुमसे मुलाकात का अरमान बहुत था। आए हाय, बाकी सब एक साइड, आप एक साइड। मेरा शेर आप बेताबेदार। बदला कैसे लूं तुमसे, बदला कैसे लूं तुमसे, आज भी हमसे अच्छे तुझे मुझसे मिलाया है। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करते हैं। किताबे जिंदगी जिसपे लिखा है, किताबे दिल वो बस्ते में पड़ी है, वो ऐसे ढूंढने निकले हैं जैसे मोहब्बत जैसे रस्ते में पड़ी है। तेरी नजर ने क्या कर दिया। कोई शाम आती है तुम्हारी याद लेकर, कोई शाम जाती है तुम्हारी याद देकर, हमें तो उस शाम का इंतजार है जो आए तुम्हें साथ लेकर। तड़प दिखती है, तड़प। आपके लिए शेर है कि तेरी याद क्यों आती है ये मालूम नहीं, लेकिन जब भी आती है अच्छा लगता है। वाह, सरे तूर हो सरे हशर हो हमें इंतजार कबूल है, वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ये सोच पे आपको मजबूर कर देती है। अधूरी बात है मगर मेरा कहना जरूरी है, मेरी चलती सांस तक तेरा रहना जरूरी है। ले रह गए यार, क्या बात। एक हंसी और बांट लो, आज एक दुआ और मांग लो, आज एक जिंदगी और जी लो, क्या पता कल हो ना। बहुत डीप बात करी इन्होंने। जिंदगी को तन्हा वीरानों में रहने दो, ये वफा की बातें ख्यालों में रहने दो, हकीकत में आजमाने से दिल टूट जाते हैं अक्सर, ये इश्क दोस्ती और मोहब्बत किताबों में रहने दो। हाय हाय, रखो किताबों में, इसका दिल टूटा है तभी ये शायरी बाहर आ रही है। पल पल तड़पे जिस पल के लिए, वो पल भी आया कुछ पल के लिए, सोचा उस पल को रोक लूं हर पल के लिए, पर वो पल भी ठहरा कुछ पल के लिए। वाह,
की बात करिए। क्या कहूँ मैं जिंदगी के बारे में, वो लोग ही बिछड़ गए जो जिंदगी हुआ करते। चुबा दिया। कहाँ गए जिसके तुम दावे करते थे? जब जेब खाली हो तो मोहब्बत भूखी मर जाती है रात को। ओहो हो, ये तो मेरे पास तुम हो टाइप डायलॉग था। बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? हमसे नाराज हो या किसी और से मुलाकात हो गई? ओहो, मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? मोहब्बत अगर ना हो तो जिंदगी बेकार, और अगर हो तो फिर आप किसी काम के नहीं हैं। तुमसे मिलने का अरमान इस दिल में बहुत देर से था, खुदा इतनी जल्दी मेहरबान हो जाएगा मालूम ना था। वाह, ये अच्छी बात बोली है। फूल मोहब्बत के लिए होता है और नफरत के लिए तो भूल होती है। नफरत के लिए भूल, प्यार करते हैं तुमसे कि कहना नहीं आता, कितना प्यार करते हैं तुमसे कि कहना नहीं आता, बस इतना चाहते हैं कि तुम बिन रहना नहीं आता। ओए ओए, मजाक रात में तो पता नहीं लोग शायर ही ढूंढ के लाते हैं सारे। अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, अशार मेरे यूं तो जमाने के लिए हैं, कुछ शेर फकत उनको सुनाने के लिए हैं। और ऐसा भी नहीं कि हर एक दर्द भुला दो, कुछ दर्द कलेजे से लगाने। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए अपना। सहर आमिर। सहर, क्या कहना चाहते? मैं मैम शाइस्ता के लिए शेर सुनाना चाहती। अरे सुनाइए। तू बोल ना बोल, तेरे बोलने का गम नहीं, तेरा दीदार हो जाए तेरे बोलने से कम नहीं। ओहो, एक्चुअल ऐसा सोर्स किया है। जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है, जहाँ पे तुमको रखा था वहाँ पे हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। बहुत कमाल कमाल की शायरी लाई थी, किसी ने उनके लिए तारीफ कर रखी थी है ना, तो किसी ने मतलब कि थोड़ी सी हार्ट ब्रोकन भी शायरी थी, बहुत कमाल की थी। मुझे लगता है मजाक रात जितनी सुन लेना उतनी कम है, और मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आता लोगों की शायरी लाते कहाँ से है, इतनी प्यारी प्यारी। और कुछ लोग तो लीजेंड खुद ही बनाते हैं और कुछ लोग मतलब किसी को कॉपी करके लाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, पर बहुत कमाल की शायरी होती है, बहुत कमाल की शायरी होती है। और जिस हिसाब से जो ये शो के एंकर है ना वो ब्लश करते हैं ना, मतलब कि वो उसको फिर उस शो को और चार चांद लग जाते हैं, मतलब बहुत मजा आ जाता है देखने में। तो सीरियसली ये शायरी भी बहुत ही ज्यादा कमाल की थी सही में। और वो सारी फीमेल जो है वो किस तरीके से अलग अलग तरीके से, और लाइक स्टार्टिंग में देखा था वो इतना खुद ही ब्लश करते रहते हैं उनको देखते वक्त ही, और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी शायरी डिलीवर कर पाती है। पर जैसे वो जो उनकी शायरी थी वो भी बहुत प्यारी थी, जब उन्होंने कहा था कि भाई अगर प्यार किया नहीं किया तो आप ऐसे बेकार है, और प्यार कर लिया तो आप कोई काम के नहीं रहे। तो वो इतनी छोटी सी बात है लेकिन वो इतनी डीप बात कर दी थी ना। एंड उसके आसपास भी जितनी शायरी आई है सब की सब इतनी प्यारी, लाइक वो पल वाली भी कि भाई ये पल भी आया तो कुछ पल के लिए, तो वो भी इतनी सुंदर लगी थी ना। तो आप लोगों को इन सब में क्या कहना, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए। बाय।